नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पौड़ी नगर के आकाशवाणी केंद्र के समीप स्थित पीडब्ल्यूडी बारात घर में संचालित कोविड केयर सेंटर के ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने पर मोहल्ले वालों ने नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से समस्या निदान के लिए गुहार लगाई, जिसको देखते हुए SDM सदर श्याम राणा ने स्थलीय निरीक्षण किया। मोहल्ले वालों का कहना है कि कोविड केयर सेंटर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने के कारण कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन में रह रहे लोगों द्वारा दैनिक उपयोग किए जा रहे पानी की निकासी ठीक नहीं होने की वजह से पानी पीछे के मकानों की तरफ निकल रहा है, जिससे मोहल्लों में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ओल्ड फूड हाउस मोहल्ले के निवासियों ने जिला प्रशासन से कोविड केयर सेंटर की निकासी ठीक करने की अपील की है। SDM SS राणा ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए निर्माण खंड पौड़ी को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां भी लीकेज हो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाए। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की लगातार कमी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण रुड़की में भी कई लोगों की जान चली गई। लेकिन अब जल्द ही रुड़की में विधायक निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्लांट लगने से ऑक्सीजन का संकट शहर से दूर हो जाएगा। नगर विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि विधायक निधि से 50 से 60 लाख की लागत से एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही कैंप कार्यालय में लगाया जाएगा। ये प्लांट अगले 3 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तथा ऑक्सीजन का संकट दूर होगा। टाइम किस चीज़ की जरूरत है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, लोग टेस्टिंग के लिए परेशान हैं और लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो ये सेंटर लोगों ने बनाया, सबके सहयोग से चल रहा है। संजय जी हमारे साथ हैं, रवि प्रकाश जी और कई सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर को चला रही हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, कितनी सुविधा लोगों को मिल रही है, 24 घंटे ऑक्सीजन लोगों को यहाँ पर मिल रही है और भी कई सारी फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर फैसिलिटी, मेडिसिन फैसिलिटी सारी हम यहाँ पर दे रहे हैं लोगों को। और कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की में कोई भी व्यक्ति जो है कोरोना से बीमार हो, पॉजिटिव हो, वो परेशान ना हो। तो कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कोविड हेल्प सेंटर बनाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट भी बहुत जल्दी लगाया जाएगा। देखिए सरकार जागरूक है, लगातार प्रयास कर रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करी कि सभी अस्पतालों में जो है 30 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में दूर कर ली जाएगी। मसूरी पुलिस द्वारा कोविड के नियमों के साथ कंटेनमेंट जोन में लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 39 लोगों के खिलाफ 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और 188 धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा है कि पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने तथा मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन में लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मई तक प्रदेश में पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 12 मई को प्रदेश के कुछ जनपदों में भारी बारिश के साथ साथ हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी और बोर्डिंग स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश सरकार ने घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक घोषित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि यदि कोई निजी विद्यालय छात्र हित में ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन कार्य संपादित कराना चाहता है तो वो अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं चला सकता है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार अपने प्रयासों से प्रदेश की मदद कर रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी ने जहां पहले अपनी सांसद निधि में से 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं अब जब ऑक्सीजन के लिए भारी दिक्कत हो रही है, अनिल बलूनी ने गुजरात के कच्छ से करीब 110 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर राजधानी देहरादून भिजवाए हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का निवेदन किया था, जिस पर सांसद अनिल बलूनी ने अपने खुद के संसाधनों से अब गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून भेजे हैं। सांसद बलूनी का कहना है कि प्रदेश के लिए अपने संसाधनों से वो जल्द ही कुछ और जरूरी इक्विपमेंट्स भी भेजेंगे। सांसद बलूनी के प्रयासों से प्रदेश के अन्य सांसदों को भी उदाहरण लेना चाहिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को और तेजी से करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तराखंड में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन आते ही इसके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके लिए पहली खेप उत्तराखंड पहुंच जाएगी। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि हमें कोविड डेथ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कोविड संक्रमित तुरंत जरूरी दवाइयां लें, इसके लिए हमें मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं की ओर जाना होगा।
लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल फरियादियों के पास पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस चालकों के पास पहनने के लिए ना ही पीपी किट है और ना ही सुरक्षित रखने वाले उपकरण। ऐसे में एम्बुलेंस चालक अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन सैकड़ों की तादाद में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एम्बुलेंस चालकों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान कराने की गुहार लगाई है। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि वो मरीजों को अस्पताल भी छोड़ते हैं और कौन सा मरीज किस तरह की बीमारी से ग्रसित है इसकी कोई जानकारी नहीं रहती, लिहाजा इस कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान भी जोखिम में है और वो रोज घर जाकर अपने परिवार से भी मिलते हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है और उन्हें लग रहा है कि वो भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और कई मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में मांग कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पीपीए किट हमें शुरू से नहीं मिली है। हम अपने जान जोखिम में डाल के पेशेंट को भर्ती भी कराते हैं और शाम को अपने घर भी जाते हैं। घर जाने से पहले डर लगता है कि हमारे घर वाले सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, हम कैसे ड्यूटी करेंगे, मगर फिर भी हम ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। हमें अभी पीपीए किट भी नहीं है और ना ही वैक्सीन का कोई टीका हमें लगा गया। कौन कौन से मरीज आप ले आ रहे हैं? अब किसी पेशेंट के पास तो कोई प्रूफ होता नहीं कि वो कोरोना का है कि नहीं है। अब वो सस्पेक्टिंग हो तो हमें उसको ले आना ही पड़ता ही है। कितना खतरा है आपको? खतरा तो सभी प्रकार का है। कभी एक को छोड़ के आए तो दूसरे को ला रहता है। कभी क्या मांग है? मांग क्या है कि हमें सारी जो भी सुरक्षित किटें हैं वो मुहैया कराई जाए, वैक्सीन लगाई जाए। मेरा नाम दीपक है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।